नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 24वें दिन की कथा, अध्याय 24 में। इसमें हम सुनेंगे मणिग्रीव शूद्र के पाप नाश की कथा एवं दीपदान की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं। मणिग्रीव बोला, हे द्विजवर, मैं विद्वानों से युक्त सुंदर चमत्कार पुर नगरी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। धनाढ्य, पवित्र आचरण वाला एवं परोपकारी होने पर भी मुझ में प्रारब्धवश खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी दुष्ट बुद्धि से अपने धर्म का त्याग करते हुए नित्य पर स्त्री का उपभोग किया, न पीने योग्य मदिरा आदि वस्तुओं का पान किया। इस कारण धन की कमी होने पर मैं चोरी, लूटपाट आदि हिंसक कार्यों में लिप्त रहने लगा। तब मुझे मेरे बंधुओं ने त्याग दिया। तदंतर महाबलवान राजा ने मेरा धन लूट लिया और जो कुछ घर में शेष बचा था वो भी बंधुओं ने छीन लिया, और इस प्रकार सबों से तिरस्कार किया हुआ मैं वन में रहने लगा। वन के घोर दुखों से दुखित मैं दुरात्मा नित्य प्रति जीव हिंसा करके अपनी स्त्री सहित जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से ही आप इस गहन वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री सहित हम दोनों आपकी शरण में हैं। आप अपने उपदेश रूपी प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा घोर दारिद्र क्षण भर में ही नाश हो जाए और अतुल वैभव प्राप्त करके यथेष्ट विचरण करें। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तू कृतार्थ है। तूने मेरा अतिथि सत्कार किया है, जिससे तेरा कल्याण होगा, और बिना व्रत, बिना दान और बिना तीर्थ के तेरा दारिद्र नाश होगा, ऐसा मैंने निश्चय किया है। इस महा के आगे अब जो तीसरा महा आएगा वह पुरुषोत्तम मास है। अतः तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे तेरी महान दरिद्रता जड़ से समाप्त हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। हे मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास में तू स्त्री सहित हिंगोट के तेल से दीप जलाना। पहले इस तालाब में स्त्री सहित स्नान करना, फिर दीपक जलाना। तेरे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। बिना विधि के करने वालों को भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और यदि विधि विधान से करो तो उसका तो कहना ही क्या। वेद में कहे हुए कर्म और नाना प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग, ज्ञान, सांख्य, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, कृच्छ चंद्रायन आदि समस्त व्रत, वेद का स्वाध्याय, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा क्षेत्रों में श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र आदि और दंडकादि उत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास के दीपक की 16वीं कला को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु, पौत्र, पुत्र, यश और वैभव आदि को देने वाला अत्यंत गुप्त है। यह चाहे जिस किसी को नहीं कहना। बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, स्त्रियों को सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए को राज्य को देने वाला, मनुष्य की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला, और यदि कुंवारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घायु वाला और सर्व गुण संपन्न पति मिलता है। स्त्री की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ, सुशील और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिलता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला मोक्ष पाता है। जो पुरुष बिना विधि व बिना शास्त्र की मत के कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। हे वत्स, जो विधि से नियम अनुसार
दीप दान करे तब तो कहना ही क्या। अतः श्री पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादारिद्र नाशक योग बताया है। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण हो। अगस्त जी बोले। ऐसा कहकर वे योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण दो भुजा वाले मुरलीधर हरि का स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी कुटिया से उग्र देव के पीछे पीछे जाकर उनको दूर तक पहुंचाकर नमस्कार करके प्रसन्न चित्त होकर वापस लौटे। पुरुषोत्तम मास की राह देखते हुए ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर दोनों स्त्री पुरुष ने अपने कुटिया में 2 महीने का समय बिताया। पुरुषोत्तम मास आया तब गुरु की आज्ञा से दोनों दंपत्ति ने मास भर तक प्रेम सहित ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हिंगोट के तेल से दीप दान किया। तब वे निर्मल मन होकर कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए और स्वर्ग को गए। वहां अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर भारत खंड में उग्रदेव जी की कृपा से द्विज वर्ण में जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था वही तो इस जन्म में राजा वीर बाहु का पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की पटरानी है वही पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की तेरी स्त्री थी, जो पतिव्रता होने के कारण अब भी तेरी अर्धांगिनी हुई है। क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। इसी पुरुषोत्तम मास में हिंगोट के तेल से दीप दान करने से तुझे निष्कंटक राज्य मिला है। जो भी पुरुष पुरुषोत्तम मास में घी या तिल्ली के तेल का अखंड दीप दान करते हैं तो फिर उनका कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीप दान का निसंदेह यही फल है। और जो उपवास आदि व्रत करते हैं तो फिर उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार अगस्त जी राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का चरित्र कह तथा उससे अभिनंदित हो अक्षय आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को चले गए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 24वां अध्याय समाप्त।